प्रातः वंदन। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम, जनसंचार माध्यम और जो लेखन इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, आज हम उसी को और आगे पढ़ेंगे और समझेंगे उसकी विशेषताओं के बारे में और अभिव्यक्ति और माध्यम के संबंध में। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया है, भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। जन संचार माध्यम, जन यानी जनता, संचार यानी जो सूचनाएं मिलती हैं और उनके माध्यम। ठीक है, आप इसमें किस प्रकार से विकास हुआ और क्या, तो हम इसके विषय में पढ़ेंगे। भारत में आज जन संचार के आधुनिक माध्यम जिस रूप में मौजूद है उसकी प्रेरणा भले ही पश्चिमी जन संचार माध्यम रहे हों, लेकिन हमारे देश में भी जनसंचार माध्यमों का जो इतिहास कम नहीं, हाँ इतिहास जो है कम पुराना नहीं है, मतलब बहुत पुराना नहीं कहा जा सकता। यदि हम पश्चिमी उसकी बात करें जनसंचार माध्यम की, तो हमारे देश में भी जो जनसंचार माध्यमों का जो इतिहास रहा है वो कोई कम पुराना नहीं रहा। बड़ी सहजता के साथ इसके बीज पौराणिक काल के मिथ पात्रों में खोजे जा सकते हैं। जैसे कि देवर्षि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से जो देखते हैं हम, जो सीरियलों में जो कथाएं सुनते हैं, जो गाथाएं सुनते हैं, उसमें कहते हैं ना कि नारद जी सूचना मतलब देते हैं, इधर बात करते हैं उधर बात करते हैं, तो ऐसा मतलब एक उदाहरण के रूप में या जो हमारे देवर्षि है उनको बताया गया है कि देवर्षि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है, जो वीणा की मधुर झनकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु थे। वीणा की मधुर झनकार के साथ धरती यानी देवलोक और धरती लोक है ना, दोनों के क्या थे वो माध्यम थे, संवाद सेतु ठीक है ना, पुल थे। उसी उन्हीं की तरह महाभारत काल में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गंधारी को युद्ध की झलक दिखाने और उसका विवरण सुनाने के लिए जिस तरह संजय की परिकल्पना की गई है, आप यहाँ पर महाराज धृतराष्ट्र और रानी गंधारी को युद्ध में जब महाभारत का जब युद्ध होता है ना, तो वहां की जो सूचना देने के लिए किस ओर यहाँ पर किया गया है, संजय की परिकल्पना की। वो बताते हैं ना एक एक समाचार उनको देते हैं युद्ध का, तो वह एक अत्यंत समृद्ध समाचार व्यवस्था की ओर इशारा करती है। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि हमारे देश में भी जनसंचार माध्यमों का इतिहास कम पुराना नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जनसंचार माध्यमों के वर्तमान प्रचलित रूपों में प्रमुख है समाचार पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट। इन माध्यमों के जरिए जो भी सामग्री आज जनता तक पहुंच रही है राष्ट्र के मानस का निर्माण करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि मैंने कहा समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट जनसंचार माध्यमों के वर्तमान प्रचलित रूपों में प्रमुख है। पहले क्या चलता था, समाचार पत्रों के द्वारा हमें को सारी चीजें मालूम होती थी, रेडियो के माध्यम से आज भी बहुत से जो गांव हैं, जो दूसरे दूर है शहरों से, वहां पर आज भी रेडियो में लोग सुनते हैं समाचार चीजों को, और टेलीविजन, अब तो देखने का भी, देखना और सुनना दोनों, तो टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट, इसके माध्यम से अब जो भी समाचार है या जो सामग्री है तो वो कहना चाहिए आज जनता तक पहुंच रही है। तो इसलिए ये सारी चीजें राष्ट्र की मानस निर्माण करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। तो आगे पढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो मैंने पढ़े है ना, जनसंचार माध्यम, जैसे कि आप देख सकते हैं पत्र पत्रिकाएं हैं है ना, टेलीविजन है यहाँ पर, फिर रेडियो है और इंटरनेट है, कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सब जो माध्यम बनते हैं, तो ये माध्यम किस चीज के लिए बनते हैं कि हमको कोई सूचना घर बैठे मिलना है, और घर बैठे आजकल हमको बहुत सारी सूचना मिल जाती है समाचार। इस प्रकार
ये चीजें जो हम देख रहे हैं जनसंचार माध्यम, तो ये राष्ट्र के निर्माण में सहायक सिद्ध होती हैं। अब राष्ट्र के निर्माण में सहायक सिद्ध होती है, इनके माध्यम से हमको बहुत सारी जानकारियां मिलती है, बहुत सारी जानकारियां हमको प्राप्त होती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत राष्ट्र के विकास के लिए, जनमानस के विकास के लिए ये चीजें बहुत, जो जनसंचार माध्यम है वो बहुत लाभप्रद है ना। चलिए आगे, अब आप यहाँ देख सकते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम, ठीक है ना। और एक ये दिया हुआ है भीमबेटका का गुफा चित्र, इनके विषय में पढ़ते और समझते हैं। आपके इसमें दिया हुआ है, थोड़ा समझना। जनमानव को राज दरबार तक पहुंचाने और राजा का संदेश जनता के बीच प्रसारित करने की समृद्ध व्यवस्थाओं के उदाहरण बाद में भी दिखाई पड़ते हैं। जन भावनाओं को राज दरबार, आपने पहले देखा होगा कि जब कोई जन संचार की ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इतना आधुनिकीकरण नहीं था, तो जब कोई भी संदेश देना होता था तो राज दरबारों में पहुंचाया जाता था, तो सैनिकों के माध्यम से वहां पर जनता की बात राजाओं तक पहुंचाई जाती थी, ठीक है। तो वो संदेश जनता के लिए प्रसारित करने की समृद्ध व्यवस्थाओं के उदाहरण बाद में दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ राजाओं के लिए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे सम्राटों के शासन काल में स्थायी महत्व के संदेशों के लिए शिलालेखों और सामयिक या तात्कालिक संदेशों के लिए कच्ची स्याही या रंगों से संदेश लिखकर प्रदर्शित करने की व्यवस्था मजबूत हुई। आप देख रहे होंगे ये चित्र बने हुए हैं, है ना। तो ये या पहले क्या होता था, पत्थरों पर चीजों चित्र या कुछ ऐसे संदेश ऐसे लिख दिए जाते थे, और इस प्रकार से जो मतलब शिलालेख और तात्कालिक संदेश कच्ची स्याही से लिखकर इनको प्रदर्शित करने की उसमें प्रथा थी। फिर है तब बकायदा रोजनामा लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाने लगे, और जनता के बीच संदेश भेजने के लिए भी सही व्यवस्था की गई, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब जन संचार क्या पढ़ रहे हैं, अभिव्यक्ति, यानी अपने अपने हिसाब से किस प्रकार से संदेशों को पहुंचाना, सूचनाओं को मतलब राज दरबारों तक भेजना और जनता की समस्याओं की को हल करना, उसके लिए अभिव्यक्ति और माध्यम, ये चित्र स्याही इस प्रकार से सब मिल करके और उस समय जन संचार के माध्यम बने। आगे पढ़ते हैं, लेकिन भारतीय संचार परंपरा की खासियत यह भी रही है कि राज दरबारों के समानांतर हमारे यहाँ लोक माध्यमों की भी सुलझी व्यवस्था मौजूद रही। इसके संकेत प्रागैतिहासिक काल से ही मिलते हैं। भीमबेटका के गुफा चित्र इसके प्रमाण है। जो भीमबेटका के गुफा चित्र है इसके क्या है, प्रमाण। यह समानांतर व्यवस्था बाद में कठपुतली और लोक नाटकों की विविध शैलियों के रूप में दिखाई पड़ती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे कि चित्र में दिया है महाराष्ट्र का लावणी नृत्य, ठीक है। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विभिन्न नाटकों कथा वाचन और बाउल रागनी तमाशा लावनी नौटंकी यात्रा गंगा गौरी यक्षगान आदि का विशेष महत्व रहा है। यहाँ पर महाराष्ट्र का लावनी नृत्य यहाँ पर दिया हुआ। इन विधाओं के कलाकार मनोरंजन तो करते थे, जो ये विधाओं के कलाकार हैं जो मैंने अभी पर पढ़े, तो ये मनोरंजन के साथ साथ क्या करते थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक संदेश पहुंचाने और जनमत निर्माण करने का काम भी करते थे। जैसे कि इसमें बताया कि नाट्य रूपों से, है ना, और कैसे करते, जो नौटंकी होती हैं और जो रागनी जो तमाशे दिखाए जाते हैं, है ना, तो उसमें क्या एक संदेश छुपा हुआ होता था। जैसे किसी भी गांव में कुछ भी ऐसा होता है या कहीं भी दूर दराज, तो ऐसे दिखाते हैं ना, एक छोटा नुक्कड़ नाटक जिसको कहना चाहिए, है ना। इस प्रकार
दूसरे क्षेत्र तक संदेश पहुंचाने और जनमत निर्माण करने का काम भी करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि जनसंचार की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो प्रमुख जनसंचार की तकनीकी माध्यमों के कारण सबसे अलग एवं विशिष्ट है, इसकी विशेषताएं निम्न है। कौन सी? सबसे पहला है सार्वजनिकता, है ना। संचार, जनसंचार की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या सीधा संबंध नहीं होता। अर्थात एक ही कार्यक्रम एक ही समय में देश विदेश के अनेक नगरों में अनेक वर्ग के लोग देख रहे होते हैं। इन कार्यक्रमों में सभी की रुचि सार्वजनिक महत्व के कारण होती है। दूसरा है अत्यधिक व्यापकता। जनसंचार माध्यमों की व्यापकता की संभावना जो है करोड़ों अरबों तक हो सकती है। जैसे क्रिकेट का खेल या विशेष राजनीतिक या सामाजिक अवसर, इनका दर्शन करोड़ों लोग एक साथ क्या करते हैं, करते हैं। तीसरा है औपचारिक संगठन। जनसंचार के सभी माध्यम किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु एक औपचारिक संगठन द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे समाचार पत्र विभिन्न प्रकाशन समूहों द्वारा चलाए जाते हैं, हिंदुस्तान समूह, जागरण समूह, ऐसे ही प्रकाशन समूह हैं। चौथा है द्वारपालों का नियंत्रण। किसी भी जनसंचार माध्यम में अनेक द्वारपाल होते हैं। ये द्वारपाल प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री का निर्धारण नियंत्रण करते हैं। समाचार पत्रों के संपादक, सहायक समाचार संपादक, उप संपादक आदि ही तय करते हैं कि पत्र में कौन सी सामग्री छपेगी। और ये द्वारपाल तीन मूल्यों की रक्षा करते हैं। कौन कौन से? पहला सार्वजनिक हित, दूसरा पत्रकारिता के सिद्धांत और तीसरा आचार संहिता। अब पांचवा आता है प्रतिक्रिया यानी फीडबैक का अभाव। प्रतिक्रिया का अभाव जनसंचार के माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित सामग्री की प्रतिक्रिया तुरंत नहीं मिलती। प्रायः विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों या श्रोताओं अथवा दर्शकों के पात्र के माध्यम से ही इनकी लोकप्रियता या आरोचकता का ज्ञान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थी विशेषताएं। अब है जनसंचार के प्रमुख महत्वपूर्ण कार्यों को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर है जनसंचार के कार्य। जनसंचार के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है सूचना देना। पहला कौन सा है? सूचना देना। तो जनसंचार माध्यमों का प्रथम और प्रमुख कार्य है सूचना देना, जैसे समाचार पत्र, दूरदर्शन, इंटरनेट इत्यादि। दूसरा है शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम जनता को शिक्षित और सजग बनाते हैं। समाचार पत्रों समाचारों के अतिरिक्त नई नई जानकारियां देना भी जनसंचार का धर्म है। तीसरा है मनोरंजन करना। रेडियो और दूरदर्शन के विस्तारों के बाद भारत की अधिकांश जनता इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का उपयोग मनोरंजन के लिए करती है। चौथा है निगरानी करना। अब देखिए यहाँ पर जनसंचार माध्यम समाज की किसी भी समस्या के विरुद्ध जनमत तैयार है, जैसे सरकार के विरुद्ध, धर्म प्रेम या किसी संस्था के अनैतिक कार्यों के विरुद्ध जनमत बनाते हैं। एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम योजना पूर्वक किसी मुद्दे को व्यापक मान देकर समाज को किसी खास दिशा में मोड़ देने का कार्य करता है। फिर विचार विमर्श करना। जनसंचार के माध्यम विभिन्न मतों पर विचारों का आदान प्रदान भी कराते हैं। एक और मुख्य संपादक संपादकीय लिखकर तथा प्रसिद्ध विद्वानों के लेख प्रकाशित कर जनता को क्या करता, प्रभावित करते हैं। और पाठकों की आवाज भी पत्र पत्रिका दूरदर्शन में व्यक्त होती है। अब इसके बाद है फिर है जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं। देखिए जनसंचार के प्रमुख माध्यम है यहाँ दिए हुए हैं। पहला, जनसंचार के प्रमुख माध्यम प्रमुखता दो प्रकार के हैं। पहला है एक परंपरागत माध्यम। अब ये परंपरागत माध्यम क्या है? तो परंपरागत माध्यम को लोक माध्यम भी कहते हैं। इसकी शुरुआत सांकेतिक माध्यमों से होती है, जैसे चित्र, भित्ति चित्र, मूर्ति कला, नृत्य संगीत, है ना। इस प्रकार
होता है यहाँ पर लोक कथाएं, लोक संदेश, ललित कलाएं आदि जनसंचार के सुदृढ़ माध्यम है। लोक नृत्य की जैसे कि अभी आपको हमने बताया स्वांग है ना, बाइस्कोप, खेल तमाशा, लोक संगीत, लोक नाटक जिसे रामलीला, ठीक है, कीर्तन, कब्बाली, नावनी, तमाशा और नौटंकी, पंडवानी इत्यादि जनसंचार के क्षेत्र में योगदान करते हैं। किसी न किसी रूप में कोई ना कोई संदेश देने का कार्य इनके माध्यमों से, इन जनसंचार के माध्यमों से किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है विशिष्ट या आधुनिक माध्यम, ठीक है, दूसरा आया विशिष्ट या आधुनिक माध्यम। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों ने सूचना क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक काल में लोकतंत्र को जीवित एवं मजबूत बनाने में इन माध्यमों की भी अहम भूमिका है। आधुनिक माध्यमों को एक चार्ट के माध्यम से हम इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए आधुनिक संचार माध्यम यहाँ पर है डाक तार माध्यम, प्रिंट या मुद्रण माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। फिर यहाँ पर आया प्रिंट या मुद्रण में तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, हैंडबिल या पैम्फलेट, ठीक है ना। फिर है शब्द, दृश्य और दृश्य शब्द दोनों, यानी सुनना, देखना, फिर देखना और सुनना दोनों। इसमें क्या है रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फोन, ट्रांसमीटर, दृश्यमान फैक्स, पेजर, टेलीप्रिंटर, कंप्यूटर, इंटरनेट, अब सब दोनों को क्या है यहाँ पर दूरदर्शन, टेलीविजन और फिल्म। फिर है डाक तार माध्यम। डाक तार माध्यम आधुनिक युग का सबसे पुराना संचार माध्यम है और डाक तार विभाग की स्थापना के पश्चात पत्र, रेल, डाक वाहन, हवाई जहाज द्वारा दूसरे प्रदेशों एवं देशों तक भेजे जाने लगे। इस प्रकार यहाँ पर हमने जनसंचार माध्यमों के विभिन्न आयाम और माध्यम अभिव्यक्ति, उनकी विशेषताओं और उनके कार्यों को पढ़ा और समझा। आप भी इसको बहुत अच्छे से कॉपी में लिखते जाएंगे और याद भी करेंगे।